राज्य सहकारी बैंक के निदेशक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि इस बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि वहां के लोगों का भाजपा से मोह भंग हो चुका है और जनता महंगाई से दुखी हो गई है। इसलिए वहां के लोग कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान द्वारा उनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश राज्य के खरगांव जिले के बडवा विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई थी, जहां पर सुनील शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। 10 दिनों तक वे जनता के संपर्क में रही और जनता की नब्ज टटोलने पर ये पता चला कि सीट को कांग्रेस पार्टी 40 से 50 हजार मतों की बढ़त से जीतने जा रही है। मैं विधानसभा में गया था, बड़वा विधानसभा है और डिस्ट्रिक्ट उसका खरगोन है, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी थे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक वहाँ जो दूसरे वाला प्रत्याशी पार्टी छोड़ के भाजपा में चला गया था, उसका बहुत विरोध है। और हमारी वहाँ पे जो बड़वा विधानसभा का मैं प्रभारी था, वो सीट हमारी मिनिमम 35 से 40 हजार के मार्जिन से जीत के सीट आएगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 135 से 150 के बीच का अनुमान है कि उनको सीटें मिलनी है। और उसके बाद जितनी भी हमारे 4 राज्यों में इलेक्शन हो और 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे। और 4 राज्यों में तो 100% श्योर है कि बनी ही है, और एक आधे में कहीं थोड़ा बहुत है तो उसमें, पर उसमें भी हम सरकार बनाने की पूरी अच्छी स्थिति में है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने महंगाई की मार से लोगों को बहुत तंग करा हुआ है, वहाँ जो पेट्रोल डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत और चीज़ें बहुत महंगी है, तो इस चीज़ में लोग बहुत परेशान हैं इनसे। मुख्यमंत्री साहब उन्होंने भाजपा के जो जितने भी विस्थापित लोग हैं, 270 के आसपास की जो लिस्ट है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इसकी मीटिंग लेके उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, और भाजपा विस्थापितों को उसका पूरा अधिकार है और उनका जो भी डिमांड होगी उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास कराऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात।